अयोध्या जनपद में सरयू नदी के दोनों तट पर कुल 215 ऐसे गांव हैं जहां पर जो लोग रहते हैं वो खुद को राम जी के वंशज बताते हैं। सूर्यवंशी राजपूतों का ये गांव है जहां पर 500 साल तक एक प्रण को निभाया गया, यानी कि जब राम मंदिर को पहली बार यहां पर ढाया गया होगा बाबर के दौर में, उस समय से लेकर अभी तक वो तीन प्रण निभाते आए। उसमें से दो प्रण तो उन्होंने तब तोड़ दिए जब 1992 के दिसंबर महीने में, लेकिन एक प्रण पर अभी भी वो कायम है। राम मंदिर न जाने कितने लोगों के संघर्ष और बलिदान के बाद अयोध्या में तैयार हो रहा है। तब बलिदान की एक गाथा अयोध्या के इन गांवों में भी दर्ज है, जहां भले लोग अपने सिर पर यूं गमछे से पगड़ी बांधते दिख जाएं, लेकिन 5-10 साल, सैकड़ों साल कहा जाता है कि इनकी पीढ़ियों ने, इनके परिजनों ने अपने सिर को खुला रहने दिया। आखिर क्यों? जहां भले लोग आपको पैरों में जूते पहने नजर आए, लेकिन अयोध्या के इन्हीं गांवों में ये इतिहास भी दर्ज है कि सैकड़ों वर्ष तक न जाने कितनी पीढ़ियों ने पैर में जूते नहीं पहने। लेकिन क्यों? अयोध्या के राम मंदिर के लिए संघर्ष जब सबका याद किया जाता है, तो इन गांवों की त्याग को भी नहीं भुलाया जा सकता। पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है 22 जनवरी का, बहुत दिन नहीं बचे हैं, लेकिन जिन गांव वालों ने प्रतीक्षा की 500 साल और एक प्रण किया था, आज हम वहां पर पहुंचे हैं। 1528 में बाबर के सेनापद मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया, तो यहाँ के राजपूतों ने और यहाँ की समस्त हिंदू जनता, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। 15 दिन तक युद्ध चला और जिसमें कम से कम 3 लाख हिंदू मारे गए। लेकिन चूंकि उनके पास तोपखाना था और हिंदुओं के पास तलवार भाला यही था उस समय, अग्नेस्त्र नहीं, इसलिए वे मंदिर गिराने में सफल हो गए। मुगल शासक ने जब राम मंदिर अयोध्या का गिराया, तब अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर सूर्यवंशी क्षत्रियों के गांव के लोग, जिन्होंने कहते हैं कि मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान भी दिया, इन लोगों ने प्रण लिया कि जब तक मंदिर नहीं तब तक ना जूते पहनेंगे, ना पगड़ी पहनेंगे, ना छाता लगाएंगे। ऐसा हमारे पूर्वजों ने प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक हम पगड़ी नहीं बांधेंगे, छतरी नहीं लगाएंगे, जूते नहीं पहनेंगे। सुनने में क्या ये बात आपको साधारण लग सकती है, लेकिन ये अपने आप में एक युद्ध सरीखा है जहाँ एक नहीं कई पीढ़ियों ने इसका पालन किया। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है 1528 में, और जब निर्णय आ गया, सबको पता चल गया कि अब मंदिर बनेगा हमारा, तब से हम लोग उस प्रण को छोड़कर सब पहनने लगे। लेकिन छाते का प्रण आज तक हम लोग निभा रहे हैं, हम लोग धूप में आज भी छाता लेकर नहीं चलते हैं। मंदिर का निर्माण हो जाए, भगवान राम शिरोधार्य हैं, वो आके बैठे हैं, अपने गर्भगृह में विराजमान हो, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जब उनका आदेश होगा कि अब हम लोग लगा सकते हैं, तो हम लोग सब कुछ का पालन करेंगे। सूर्यवंशियों के इस गाँव में पीढ़ियां चाहती तो अपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा को भुला देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन 200 से ज्यादा गाँवों में लोगों का मानना रहा कि अगर भगवान ही अपने स्थान पर स्थापित नहीं तो वो कैसे अपने सिर को ढके, अपने पैर को सुरक्षित रखे। कुल लगभग 215 गांव जिनकी अनगिनत पीढ़ियां इस प्रण का पालन करते हुए बीत गईं। आज 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत उत्साहित जरूर हैं, लेकिन प्रतीक्षा एक निमंत्रण की भी है। बनवीर सिंह, कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक। साल 1992 में दिसंबर का ही महीना था जब बाबरी ढांचे को यहां पर गिराया गया था। उसके बाद जनवरी में 14 तारीख को नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, टाट में रामलला के दर्शन किए थे और एक संकल्प लिया था।
14 जनवरी 1992 को नरेंद्र मोदी तब बीजेपी के नेता थे, संगठन के नेता थे, और तब वो मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या आए थे। जी हाँ, ये बहुत ही अद्भुत तस्वीर है। 14 जनवरी 1992 को है जब नरेंद्र मोदी जी तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ आए थे। तो उस समय रामलला का प्राकट उत्सव चल रहा था, तो प्राकट उत्सव के अवसर पर आए थे और उन्होंने अंदर दर्शन किया था, तो मैं पीछे पीछे उनकी तस्वीरें खींच रहा था। तो रामलला के अंदर जब गए हैं वो, तो फिर वो काफी देर तक जो है रामलला को टकटकी, उनकी ही तस्वीर, ये हाथ में प्रसाद का डिब्बा लिए हुए हैं और काफी देर तक टकटकी लगाए देख रहे थे। तो मुझे लगा जैसे लगता है कुछ रामलला से उनका कुछ संवाद हो रहा हो। और फिर हमने बहुत पूछा कि दोबारा आप कब आएंगे, तब उन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊंगा। लेकिन ये बातें आई गई हो गई, उसके बाद फिर मुझे पता चला। कब आए उसके बाद? उसके बाद फिर तो 14 जनवरी 1992 के बाद तो फिर वो 5 अगस्त 2020 को ही आए, जब उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला रखी और राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में रखी। तो मुझे लगा कि उन्होंने वो जो संकल्प लिया था, अपने संकल्प को पूरा किया प्रधानमंत्री के रूप में। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा, हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा, हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा, हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा, हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।